नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। रविदास मंदिर को लेकर यहां पर एक बार आंदोलन हो रहा है। 21 तारीख ध्यान रखिए, आज से एक महीना पहले रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें 96 बच्चे जेल में गए थे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भाई भी जेल में थे। आज उसी को लेकर फिर एक बार रविदास मंदिर को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन है। क्या लग रहा है भाई साहब, जो ये मंदिर टूटा है इसमें किसी की सह है? गवर्नमेंट की सारी सह है, सारी गवर्नमेंट की सह है। गवर्नमेंट की सह के ऊपर ये मंदिर टूटा है। और क्या लग रहा, बनेगा मंदिर? बिल्कुल बनेगा। हमारा समाज एक है, एकता है, तो हमारा मंदिर जरूर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। क्या लग रहा है भाई साहब ने बात कही कि समाज में एकता, आपको लगता है एकता है समाज? एकता है जी, बिल्कुल एकता है। और आगे और आंदोलन होते रहेंगे और आगे और बड़े होंगे। जो 96 बच्चे जेल में गए हैं उनको लेकर आंदोलन बार बार हो रहा है, क्या ये जो आंदोलन हो रहे हैं आंदोलन से छुटेंगे 96 बच्चे जेल में गए हैं या कानूनी प्रक्रिया से? ये दोनों प्रक्रियाएं चालू हैं और दोनों प्रक्रियाओं का असर होगा कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी, है ना, हमारे हित में फैसला देना पड़ेगा। जो दो तरह की है ना सूचनाएं आती हैं कोर्ट के आदेश में, पहले आदेश में है कि डेमोलिशन दो बार रिजेक्ट कर दिए, हाँ, तो ये इनको जमानत भी देनी होगी और बिना शर्त रिहा करना पड़ेगा और सारे केस वापसी लेने पड़ेंगे। क्या लग रहा है दलितों को इस सरकार में जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? हाँ, जानबूझ के सरकार जो है ना दलितों को जानबूझ के टारगेट कर रही है। और उन्होंने जो सबसे मजबूत समाज देखे दलित समुदाय में, अनुसूचित जाति लोग में, चाहे वो है ना रविदासीय समाज है चाहे वाल्मीकि समाज है, वो ये सोचते हैं कि इन दोनों को है ना, इन दोनों को तोड़ दो, इन दोनों की शक्ति तोड़ दो, तो ये है कि कोई आगे है ना इनकी तरफ से कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं होगा। परंतु हमारा समाज इस तरह नहीं है। अब तो इस जो पूरा मामला है, जो पूरा आंदोलन है, मुस्लिम समाज भी साथ में आएगा, क्या कहना चाहोगे? मुस्लिम समाज आए, सभी समाज मिलके जो है ना सरकार पे दबाव दिन प्रतिदिन बन रहा है। और हमें तो कई बार ये लगता है कि सरकार सोचती है कि इस मैटर को निपटाया कैसे जाए, अपनी जान कैसे बचाई जाए इस मैटर से, और उनको जमीन भी देनी पड़ेगी और ये जो 96 लोग जो है ना गिरफ्तार हुए उनको भी छोड़ना पड़ेगा। सहारनपुर में भी एक मूर्ति तोड़ दी बाबा साहब की और उसमें 700 लोगों के, दलित समाज के लोगों के खिलाफ FIR हुई है, इस पर क्या कहोगे आप? भाई साहब, यूपी के अंदर जो है ना एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको वाद की सरकार कहते हैं। वाद तो आप लोग पत्रकार हैं समझते हैं, वाद ये होता है कि जातिवाद, एक ही समुदाय की सरकार चल रही है। और वो लोग जो है ना आबादी में तो 4% है पर पूरी यूपी में गुंडागर्दी उन्हीं की छाई हुई है। और चुन चुन कुछ चीजें ऐसी भी सामने आ रही है, जो संत समाज है वो भी आपस में कहीं ना कहीं बटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतभेद तो बाप बेटे में भी होते हैं, भाई भाई में भी होते हैं, परंतु मनभेद नहीं है। क्या लग रहा है, आज यहाँ पे ऐलान किया गया कि यहाँ से रविदास मंदिर जाएंगे, क्या पुलिस जाने के लिए प्रस्थान किया जाएगा? क्या लग रहा है आपको, जितनी बंदोबस्त यहाँ पुलिस ने लगाई है बैरिकेडिंग, क्या आप लोग जा पाओगे, पहुँच पाओगे वहाँ पर? अगर हम जाते भी नहीं, जहाँ पे हमें पुलिस रोकेगी और हमारी गिरफ्तारी मांगेगी, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। और हमारा जो कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले महीने की 21 तारीख को इन्होंने उस आंदोलन को, जितना जबरदस्त आंदोलन था लाखों की संख्या में, इन्होंने जानबूझ के टारगेटेड करके ना सरकार ने पुलिस का सहारा लेके उसको जो खराब करने का प्रयास किया। क्या ये लोग है ना वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये पुलिस से वो ही झड़प? बीजेपी तो मंदिर की राजनीति करती है, राम मंदिर की, लेकिन इस मंदिर को क्यों तोड़वा दिया? ऐसा वो किसी के नहीं है, वो अपने बाप के नहीं है। मैं भी बीजेपी का हूँ पर वो अपने बाप के नहीं है, बीजेपी और RSS वाले। जहाँ पे उनको फायदा दिखता है ना वो फायदा अपना लेते हैं, और दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को वो सिर्फ जो है ना यूज करते हैं। क्या यूज करो? और अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा से सबसे ज्यादा बच्चे जेल में गए हैं, क्या इस आंदोलन का हरियाणा चुनाव में असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। और हम ये अपना, हम आनंद पर्वत से लोग आए हैं, अपनी टीमें लेकर है ना हरियाणा के चुनाव से पहले ही गांव-गांव जाएंगे, हैंडबिल लेकर मीटिंगें करेंगे अपने जो है ना अनुसूचित जाति समाज के अंदर, और उनको कहेंगे कि जो कांग्रेस इसको, बीजेपी को हराता हो उसको वोट दो।
बीजेपी को हराने वाली कौन सी पार्टी? अब ये सर समय के साथ देखा जाएगा कौन सी मजबूत है। क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल भी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? 6 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव है। देखो राजनीति तो हर कोई राजनीतिक दल करता है, राजनीति ये स्वभाव की बात है, परंतु आप उसके अंदर राजनीति के अंदर पब्लिक का कितना भला करते हैं या कितनी अपनी बातों पे अड़िग रहते हैं उस पर निर्भर करता है। क्या लग रहा है भाई साहब, आंदोलन बार बार होने लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, उसके पक्ष से कोई भी बात नहीं आ रही निकल के? हमारे लिए हमारी सरकार भी सुनेगी, हमारी नीति नियत ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी नीति और नियत ठीक रहेगी। अगर आपको नियत ठीक नहीं है, हमारी नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है, लेकिन हमारी सोच अलग अलग हो रही है, हमारी सोच अलग अलग हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने समाज को, बहुजन समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमें आपके बच्चों की हमारी जरूरत, यानी कि हमें जेल में भी जाने की जरूरत है, हमें खून देने की भी जरूरत है, लेकिन खामा खामे नहीं। किसी कोई मुद्दा होना चाहिए, जेल में जाने के लिए भी कोई मुद्दा होना चाहिए, खून देने के लिए भी कोई मुद्दा होना चाहिए। दूसरी चीज मैं अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन आपको कैसे लगा कि समाज अलग अलग बटा हुआ है? समाज अलग अलग, विचारधारा अलग अलग है। हमारा मकसद है रविदास मंदिर बनाने का, हमारा मकसद है रविदास मंदिर को वहीं पर स्थापित कराने का, और रविदास मंदिर वहीं बनेगा, 100% बनेगा। लेकिन मैं ये जितने भी नेता लोग हैं सबको पब्लिक कोसती है, मेरी एक वाइट मैं इस पक्ष में ये जानना चाहता हूँ, क्या बहुजन समाज, क्या किसी भी एक नेता के लिए आह्वान क्या है कि भाई आप हमारे लिए ऐसा कुछ करा दो? किसी भी नेता के, मुझे नाम मैं जानना चाहता हूँ, किसी भी आह्वान किसी एक नेता को, क्योंकि इस देश की समस्या दो लोग सुधारते हैं, नेता, पुलिस प्रशासन, और उन्हीं से कोई पहल नहीं कर रहा है। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ भाई समस्या किसके पास है, समस्या है नेताओं के पास, नेता ही तो हमारी समस्या को फॉलो करेंगे और नेता का ही कोई आह्वान नहीं कर रहे। मैं कहने का मतलब मेरा यह है, अगर सपोज करो क्या कोई नेता नेता बहुत आ रहे हैं मेरे जैसे, मैं अपने आप को नेता मानता हूँ, नेता हूँ और रहूंगा, ठीक है, नेता हूँ मैं खुद कहता हूँ मैं नेता हूँ और नेतागिरी करता हूँ, बट अपने समाज पर नेतागिरी नहीं करता। मैं कहने का मतलब मैं 19 तारीख से जाना चाहता हूँ, जो मुद्दा 19 तारीख को पूरे समाज ने, पूरे संत समाज ने एक कॉल बताते हैं कॉल की थी, अगर भाई दिल्ली बंद, उस कॉल में मुझे कोई कॉल नहीं आई, लेकिन मेरे भगवान ने, मेरी आस्था ने मुझे कहा, अगर मेरे गुरु का मंदिर आपको पुकार रहा है वहाँ पे, वो ढा दिया गया, वो तोड़ दिया गया, यार तुम्हें चलना चाहिए, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम कह रहे बचपन से देख के पैदा हुए हैं उसकी हम पूजा करते हैं, हमें मंदिर पर जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हम मंदिर पर वहाँ पहुँचे, कुछ लोग जो यानी कि इस समाज को नहीं मानते, जो जिसे कहते हैं मनुवादी लोग हमारे बीच में बैठ के पता ये क्या बातें करते हैं, कहले चल दिए यार मंदिर बनवाने, मेट्रो स्टेशन आ गया होगा, रोड पे होगा, या कुछ इस तरीके का मुद्दा होगा, इसलिए वो मंदिर को क्या कर रहे हैं उड़ा दिया, क्या कर रहे ढा दिया तो ढा दे, हटा दिया तो क्या बड़ी बात कर दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो इस तरीके की व्यवस्था है ही नहीं, ये सिर्फ यानी कि शासन प्रशासन की चाल है, इसको क्या कह रहे मंदिर को ढाने की। जब दिल्ली प्रदेश, दिल्ली सरकार इसके पक्ष में है, भाई हम मंदिर के पक्ष में हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं होगी? अरे करो तो, सबको करो तो, मिलके बैठो तो। कहने का मतलब मेरा ये है, मेरे ने क्या करा है 21 तारीख को आज तक के टीवी पे एक बाइट दी थी। सर एक बात बताइए, आंदोलन काफी हो गए किस तारीख के बाद से, क्या सारे आंदोलन विफल होते जा रहे हैं, विफल हो रहे की जो सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, पक्ष नहीं आ रहा सरकार की तरफ? सरकार सुनना चाह रही है लेकिन सरकार को सुना ही नहीं जा रहा है।